बड़वानी जिले की राजपुर नगर परिषद के कर्मचारी और सफाई कामगार अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सीएमओ और अध्यक्ष ने कर्मचारियों से नगर हित में काम पर लौटने की अपील की, लेकिन कर्मचारी अड़े रहे, जिनका साफ कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हम नगर परिषद कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 4वें दिन पर भी हड़ताल जारी है हमारी। 4 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन हमारी इन मांगों का निराकरण शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके पहले भी हम हड़ताल पर बैठे थे, शासन के आश्वासन के बावजूद हमने हमारी हड़ताल स्थगित की थी। हमें 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, इसलिए मजबूरन हमें फिर से हड़ताल पर जाना पड़ा। सीएमओ एवं अध्यक्ष ने स्थानीय परिषद के अधिकार में आने वाली मांगों को पूरा करने एवं शासन स्तर की मांगों के निराकरण के लिए उच्च स्तर पर प्रयास करने की बात की। साथ ही परिषद अध्यक्ष ने हाथ जोड़कर नगर हित में हड़ताल समाप्त करने की गुजारिश की, लेकिन अध्यक्ष के अंदाज में ही हड़ताली सफाई कर्मी व कर्मचारियों ने इनकार करते हुए मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। तो नगर की ओर से निवेदन किया गया है कि ये मांगे आपकी जायज है, हम इनके आपके साथ में है, लेकिन गांव का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। साफ सफाई के वजह से कुछ जानवर मर रहे हैं, ढोर मर रहे हैं, तो थोड़ी हमको तकलीफ आ रही गाँव वालों को भी, तो इस विषय में ध्यान रखकर इनकी मांगे भी रखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारी जल्दी से जल्दी हड़ताल खत्म कर दें और हमारे गांव के साफ सफाई में काम में जुट सकें। मैं 4 दिनों से नगर परिषद कर्मचारी के प्रदेश संघ के आह्वान पर हड़ताल पर बैठा है और इनकी जो मुख्य 6 सूत्रीय मांगे हैं, इस संबंध में अध्यक्ष महोदय मेरे द्वारा और सभी के द्वारा इनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए उनसे निवेदन किया है, अपील की है कि वे अपने काम पर बढ़ जाए। राजपुर से अजय यादव की रिपोर्ट।